सारे ही विद्यार्थियों नु प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए जमात दसवीं राजस्थान बोर्ड बाबा फरीद जी की बाणी विचों सलोक। सब तो पहला सलोक नु पढ़ लईए पई। जित दिहाड़े धन वरी साहे ले लिखाए, मलक जे कन्नी सुनींदा मूँह दिखा ले आए। जिंद नमाणी कढ़ीए हड्डा कू कड़काए, साहे लिखे न चलनी जिंदू को समझाए। ये जड़ा सलोक है इसका सब तो पहला आप प्रसंग कर लिए पई। प्रसंग यह काव्य सत्रां साड़ी पंजाबी दी पाठ पुस्तक साहित्य सुगंधियां विच दर्ज बाबा फरीद जी दे बाणी सरलोक सिरलेख हेठ दर्ज है, जां फिर बाबा फरीद जी दी रचना सलोक सिरलेख हेठ दर्ज है, जां फिर बाबा फरीद जी दे सलोक विच्चों लईयां गईयां हन। इस सलोक विच फरीद जी ने जीव इस्त्री नू उसकी मौत नू ना टाले जान बारे दस के उसनू बुराइयां तो बचण लई रब दे राह उत्ते तुरन दी गल जो है कीती है। बड़ा ही सरल जा है भाई, सारी गुरबाणी ही सरल है। जित दिहाड़े धन वरी साहे ले लिखाए, जित दिहाड़े जिस दिन दिहाड़े दिन धन माना इस्त्री जनानी, जिस दिन इस्त्री है वह व्याही गई साहे ले लिखाए, उन्हें की है कि अपने व्याह का पक्का समा वह लिखा लिया। कहण का भाव कि जदों मनुख ने जन्म लिया, जित दिहाड़े धन वरी जिस जदों मनुख ने जन्म लिया उसी समय उनका जिहड़ा मौत का समा है वह मुकम्मल हो गया लिखा गया। इत्थे आत्मा रूपी इस्त्री है पई, आत्मा रूपी इस्त्री जिस दिन आत्मा रूपी इस्त्री शरीर विच पई उस दिन ही उन्दे मौत का समा है वह निश्चित हो गया। मलक जे कन्नी सुनींदा मूँह दिखा ले आए, मलक मन है मलकल मौत, कन्नी कन्ना तो सुनींदा सुनना, और मौत का फरिश्ता जिस बारे आपां कन्ना तो सुनिया होया सी मूँह दिखा ले आए, मूँह विखाउंदा है वह आ गया भाई। कहण दा भाव कि बंदे दा जीव इस्त्री जिस दिन जीव इस्त्री गाई जाएगी उसका जिहड़ा समा है वह लिखिया होया है भाई। आत्मा रूपी जीव इस्त्री ने किस दिन इथों तुर जाना है और फिर वह मौत का फरिश्ता आएगा जिहड़ा कि तुसी कन्ना तो सुनिया है मूँह सामने विखाएगा, अगे की कार्रवाई करेगा वह सुनते हैं भाई। जिंद निमाणी कढ़ीए, अपनी जिहड़ी जिंद है जान है बेचारी जान निमाणी जान कढ़ीए, वह कढ़ के लै जाएगा हड्डा कूकड़काए, हड्डा नू तोड़ के हड्डा नू तोड़ के आत्मा नू कढ़ के लै जाएगा भाई। साहे लिखे न चलनी जिंदू को समझाए, साहे लिखे न चलनी जिंदू को समझाए। जेड़े मौत दा समा है अटल है, अपनी जिंद अपनी जान नू समझा लै जिंदू को समझाए, अपनी जान नू समझा लो मौत दा समा है वह अटल है वह नहीं टल सकता। जदों मौत आएगी तां वो जिहड़ा मौत का फरिश्ता आएगा हड्डा नू कड़का के अपनी आत्मा कढ़ के लै जाएगा। आत्मा रूपी इस्त्री का समा जिहड़ा मुकम्मल है आ जिहड़ा है, एक प्रकार का आत्मा का जिहड़ा समा है बंदे का समा है वह निश्चित है किस समय जाना है। मौत का फरिश्ता एक दिन आएगा और आ जिंद दे विच्चों हड्डा नू कड़का के आत्मा कढ़ के लै जाएगा। मौत अटल है अपनी जिंद नू समझा लै पई।
जिंद वहोटी, जिंद है जड़ी वहोटी, लाड़ी है पई, जान है जिंद अपनी लाड़ी, मरण वर मौत है वो लाड़ा है, ले जासी परनाए वो व्याह के ले जाएगा, परनाए परना के ले जाएगा, व्याह के ले जाएगा। जिंद लाड़ी है, मौत लाड़ा है, मौत रूपी लाड़े ने जिंद रूपी लाड़ी नू व्याह के ले जाना है, अपनी हथी जोल कह कह गल लगे ताए, इस कुदरत ने तेन अपनी हथी तोड़ देना है, कह गल लगे ताए तू किस दे गल लग के रोएगा। दुनिया उसने अपनी हथी तुहानू तोड़ देना है, तू किस दे गल लग के रोएगा। वालो निक्की पुरस लात, जेड़ी आ पुरस लात है वह पुल है भाई, पुल सरात, वह पुल जिन्हों पार करके आप पहुंचना है अगे। वालो निकी हो, वाल तो भी निक्का है, कन्नी ना सुनी आए, तू कन्ना तो नहीं सुनिया होया कि तू कन्ना तो यह गल नहीं सुनी हुई कि जेड़ा पुरस लात है, पुल है, पुल सरात पुल है, वह वाल तो भी निक्का है जेड़ा तू नंग के जाना है। फरीदा कीड़ी पवनदी खड़ा ना आप मुहाई, कीड़ी पवनदी वाजा पैंदियां ने, कीड़ी पवनदी वाजा पैंदियां ने, मुहाए धोखे च ना रह जी, खड़ा ना आप मुहाए तू किते धोखे विच ना रह जी, वाजा पै रही ने, हजे भी समा है उस परमात्मा दी, उस किसे साध संगत दी संगत कर लै, परमात्मा दा नाम जप लै, किते धोखे च ना रह जावी, वाजा पैन गिया और ओ तन्नू व्याह के लै जाणगे पई। मौत है अटल, परमात्मा दा नाम जपो जे इथों बचना है। यह दसिया गया भी किस तरीके जड़ा पूरे दे पूरे इस सलोक दे अंदर आही गल दसी गई है कि जिस दिन बंदा पैदा होंदा है उन्दे लेख लिखे जाते हैं, मौत लिखी जाती है, और एक दिन वह मौत का फरिश्ता आंदा है और इस हड्डा नू कड़का के उस आत्मा नू कड़ के लै जाता है। तू अपने जिंद नू समझा लै, मौत अटल है, जाना है, इस नूं आत्मा रूपी लाड़ी नूं मौत रूपी लाड़ा व्याह के लै जूगा, कुदरत ने अपनी हत्थे तोड़ देना है, तू किंदे गल लग के रोएगा। वो पुल सरात है, वो पुल है, वाल तो भी निक्का है, तू कन्ना तो नहीं सुनिया होया, तू कन्ना तो यह गल जरूर सुनी होवेगी कि वो वाल तो भी निक्का है, हुण उहदियां आवाज़ां पै रही ने, तू धोखे च ना रह जी, उस रब का नाम जप लै, उस रब का नाम जप लै, रब ते दर लग जा ताकि तेरा आना इस जीवन में सफला हो जावे। भई धन्यवाद भई।